subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. अनुपमा की कहानी में जिस तरह पाकी की हो चली है वापसी एक बार फिर से शाह हाउस में, लेकिन पाकी के आने के बाद ही काव्या का असली चेहरा आता दिखेगा, वो भी पूरे परिवार वालों के सामने। जी हम आपको बताते चले, इस बार पाकी फोड़ने वाली है काव्या का भांडा, क्योंकि जो काव्या वनराज शाह के हाउस में रह रही थी अब उसका कहीं ना कहीं पत्ता साफ होते दिखेगा, और वो पत्ता साफ करने वाली है पाकी, क्योंकि पाकी इस बार काव्या के हर नाटक से उठाने वाली है पर्दा और काव्या को इस घर से बेदखल भी करवाएगी। जहाँ काव्या का ये नाटक अब ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है, और इस बार तो पाकी के जरिए ही काव्या उगलेगी पूरा सच कि उसने ये सब नाटक किया है और मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब भी एक नाटक ही था, ताकि मैं वनराज को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकूँ। अब देखना दिलचस्प होगा क्या करने वाले वनराज अब आगे काव्य के साथ, क्या वो अब इस बार टेक लेगा अनुपमा के आगे अपने घुटने, क्योंकि काव्य ने जो जो करा है अब उसके सारे कारनामे धीरे धीरे करके आते रहेंगे वनराज शाह के सामने। क्या क्या होगा आगे ट्रैक में और कितने हंगामे आएंगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.